तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये हमारा जो क्लास है वो क्लास कंबाइंड क्लास है, जिसमें हम कुछ नई चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे साथ एज ए डेमो क्लास के लिए मिस्टर मोहन और मिस्टर रक्षित जी हैं, और एक लोग और ज्वाइन करने वाले हैं डेमो के लिए। रक्षित जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था, तो जब भी कुछ पूछना होगा नेम के आगे का जो ओके सर, है उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और ये हम क्लास जो है अपनी ये क्लास जो है ले रहे हैं, हम ऑफसेट फॉर्मूला को डायनेमिक चार्ट के ऊपर और बटन्स को कैसे इस्तेमाल की जाए उस चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास में हमें हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, क्योंकि बड़े एग्जाम्पल पे रिजल्ट जो है जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ और हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जो आके आप देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे समझिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम है कि हमने अपना डेटा बना तो लिया, डेटा बनाने के बाद इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मैं इसके ऊपर इसको अगर अगर मान लीजिए कि मैं इस पे कोई चार्ट बनाता हूँ, मुझे स्पेशली चार्ट्स बनाना है, इस पे कोई चार्ट्स बनाता हूँ, अगर मैंने इंसर्ट किया और अपने डेटा में जाके चार्ट्स हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं, हमने चार्ट बनाया, तो इसमें चार्ट इतना इतना घना हो जाता है। सर रिकॉर्डिंग हेलो कर दे, टाइम पे ज्वाइन कर ले सर, क्लास स्टार्ट होने के बाद आप आते हैं रिकॉर्डिंग मांगने के लिए। कर दिया अलाउ मैंने जी सर। ओके थैंक यू सर। तो हमने चार्ट्स बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि चार्ट्स में हम क्लास एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें पूजा और नीरज में कंपेयरिंग नहीं करना है, हमें पूजा की इन द बिटवीन मंथ में कंपेयर करना है। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें चार्ट जो बनाना है वो इंडिविजुअल बनाना है, कि मुझे एक चार्ट पूजा का बनाना है, और फिर ऐसा ही चार्ट हमें नीरज का बनाना है, ऐसा ही चार्ट कविता का बनाना है। तो ऐसे अगर मान लीजिए 100 या 200 नेम हुए तो 100 या 200 चार्ट बन जाएंगे, और 100 या 200 चार्ट को देखना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा चार्ट एक ही हो, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाए कि मैं किसका चार्ट देखना चाहता हूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है हमारा? मोहन जी, रक्षित जी एंड बाकी लोग जो भी है और लोग, आशीष जी, प्रॉब्लम समझ में आया? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें चार्ट एक ही है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसी सिस्टम मिल जाए जिससे मैं चेंज करूँ तो मेरा डेटा चेंज हो और उस ये इसका जो चार्ट का डेटा है वो चेंज हो जाए। तो चलिए हम इस पे आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट तो बाद में करेंगे, हम हेडिंग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हेडिंग नीचे भी कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो मुझे पूजा का डेटा आ जाए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो मुझे नीरज का डेटा आना चाहिए। हालांकि इसके लिए और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन इसके लिए सुटेबल है ऑफसेट। तो ऑफसेट फॉर्मूला को समझिए क्या होता है। ऑफसेट फॉर्मूला होता है डेटा लुकअप फॉर्मूला होता है, कि ऑफसेट फॉर्मूले को बताना होता है कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट है। मैंने बता दिया रेफरेंस, इट मीन्स कहाँ से डेटा आपका स्टार्ट है। अब मुझे इसको ये बताना पड़ता है जो डेटा आपने लिया है वो कितने नंबर रो और कितने नंबर रो से लेना है, डेटा लेना है। तो ये ऑफसेट 0 से काउंट करता है, तो मैंने यहाँ पे दिया 0 एंड 1, यहाँ पे हमने 1 रखा। उसके बाद बात होती है कॉलम्स नंबर की, कि इसमें जो आपको कॉलम लेना है कौन सा कॉलम चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया है, मतलब कि सेम कॉलम। अब मुझे इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है, तो आगे की तरफ ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा। किसको?
ये जो वन हमने मैनुअल लिखा है, इस वन को हमने लिंक कर दिया इसको, और इसको फ्रीज करना पड़ेगा डॉलर साइन लगा के, ताकि A12 जो है B12 ना बने। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद इसने वन यहां लिखा था, पूजा का पूरा नाम आ गया। अगर मैं टू लिखूं तो नीरज का नाम आ जाएगा, थ्री लिखूं तो कविता, फोर लिखूं तो मोनी। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे आया है? किसी को कोई डाउट? ऑफसेट फॉर्मूला मैंने लगाया, इसमें किसी को डाउट है? चलिए, अगर डाउट क्या सर, एक और बार दिखा सकते हो? हाँ, देखिए फॉर्मूला आपके सामने। हमने बोला A1 की स्टार्टिंग है, यहाँ पे बोलता हूँ कि कितना नंबर रो चाहिए, तो यहाँ से 0, 1, 2, 3 एंड हमने 4 दिया, तो 4 वो रो आ जाएगा, और 0 कॉलम मतलब कि सेम कॉलम डेटा उठा लिया, और इसी को हमने आगे ड्रैग कर दिया, तो ऊपर A1, V1, C1 चेंज होता चला गया और उसका डेटा हमें आ गया। तो ऑफसेट फार्मूला क्या किया, इसका डेटा ला दिया। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे इंसर्ट में चार्ट देता हूँ। यहाँ पे चार्ट आ गया, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ हमारे पास चार्ट का फॉर्मेट होता है। चार्ट के फॉर्मेट में गया, चार्ट के फॉर्मेट में ये अपना कोई डिजाइन में अपना कोई पर्टिकुलर डिजाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो आपका डिजाइन सुटेबल है। चलिए इसी को ले लिया। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं यहां पे 2 करता हूं डेटा चेंज हो रहा है, 3 करता हूं, 4 करता हूं, अब यहां पे बार बार ए बी चेंज हो रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में जाता हूं और इसको 100 फिक्स कर देता हूं। ये ऑटो है ना, मैं 100 फिक्स कर दिया, तो बार बार वो ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए करना पड़ता। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 1, तब जाकर डेटा हमारा चेंज हो रहा है। मतलब कि पहले मुझे जाके इसकी काउंट नंबर निकालना पड़ेगा और फिर उसको लिखना पड़ेगा। मतलब हमारा काम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से 100% सही नहीं हुआ। ठीक है, तो डेवलपर टैब में हम आते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यहां पे इसका ड्रॉप डाउन जो है यहां पे आना चाहिए। तो तरीके बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में जाके इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वहां से उस लिस्ट को लेंगे, लेकिन नेम चेंज करने के लिए वो क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगा देंगे कि मैच कि पूजा को इसके अंदर लुकअप करो। तो मैच क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी पर्टिकुलर एरिया में लुकअप करता है, और अगर वो मिल जाता है तो उसका रो नंबर, जो रो काउंट नंबर, जैसे कि पूजा पहले नंबर पे था तो 1 आ गया। मतलब कि अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, नीरज करूंगा, तो मेरा 2 हो जाएगा मैच फॉर्मूले से, और जैसे 2 होगा ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा, और जैसे ये रिजल्ट चेंज होगा तो आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा। ये तो सक्सेस हुआ, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन यहां पे नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं चार्ट को यहां रखना ही नहीं चाहता हूं, चार्ट को मैं डैशबोर्ड पे अलग रखना चाहता हूं। तो ये जो फैसिलिटी यहां हुई है, ये फैसिलिटी चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो इस केस में हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहां पे हमारे पास आता है इंसर्ट में कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स को लिया और हमने ड्रैग किया। अब एक चीज ध्यान और रखिएगा आप लोग कि कॉम्बो बॉक्स आप जब ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है, मतलब डेवलपर टैब के फॉर्म कंट्रोल। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है, सबसे पहले आपको डेवलपर टैब लाना पड़ेगा। कहाँ से? तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सेल के वर्जन पे। जाना तो आपको एक्सेल ऑप्शन पे पड़ेगा। अगर आपको एक्सेल 2007 है तो यही पे जर्नल में यही पे आपको डेवलपर टैब, सो डेवलपर टैब इन द रिवन करके मिल जाएगा। बट आपके पास 2013, 16, 19 है, जैसे कि मेरे पास है, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिवन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डेवलपर टैब पे क्लिक कराएगा, तब तो आपको डेवलपर टैब आ जाएगा। और डेवलपर टैब आने पे आप
फॉर्म कंट्रोल को ड्रैग कीजिएगा, एक्टिव एक्स कंट्रोल को नहीं, क्योंकि एक्टिव एक्स कंट्रोल के ऊपर आपको VVM को प्रोग्रामिंग की कोडिंग करनी पड़ेगी और ए जो होगा विदाउट कोडिंग होगा, राइट अब इसमें लिस्ट में तो नाम आया नहीं, तो मुझे इस नाम को ऐड करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, फॉर्मेट कंट्रोल में गया। फॉर्मेट कंट्रोल में सबसे लास्ट में आपका कंट्रोल दिखेगा, इस पे इनपुट रेंज। इनपुट रेंज इट मींस जब इस पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे जो पूरा स्लाइड खुल के आएगा वो आपका इनपुट रेंज कहलाता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि अब इसके ड्रॉप डाउन में आपका ये हो गया, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी लिंकिंग नहीं की। लिंकिंग कैसे करेंगे? वही फॉर्मेट कंट्रोल में ही जहां पे इनपुट रेंज था उसी के नीचे आता है सेल लिंक। सेल लिंक में जहां चेंज करवाना है वहां आप सिलेक्ट कर लीजिए। और दूसरी चीज है कि ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आता है, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो 8 बाय डिफॉल्ट यहां पे 8 दिख रहा है, अब उससे ज्यादा दिखाना है तो यहां आप चेंज कर सकते हैं। 3D करेंगे थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखेगा इसमें। अब ये आपका पूरी तरह से परफेक्ट हो गया कि मैं यहाँ पे अगर नीरज करूं तो नीरज आएगा, मैं यहाँ पे कविता करूं तो कविता के चल जाएगा। तो फाइनली हमने अपनी प्रॉब्लम को 100% रिजॉल्व कर लिया। सॉरी सर, सर एक बार फिर से एक बार ऑप्शन बताओगे? स्क्रीन बहुत। अच्छा, सबको प्रॉब्लम हुई है कि सिर्फ आशीष जी को प्रॉब्लम हुई है? सबको प्रॉब्लम है, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम है सर। सर वो एक स्क्रीन पे जाके ना स्टक हो गया फिर एक। अच्छा, मैं दोबारा से बताता हूँ, चलिए मैं डिलीट करता हूँ। बेसिकली हो सकता है दो दो एप्लीकेशन खोल रखा हो सकता है कि थोड़ी सी इंटरनेट इफेक्ट करती है, बट एक पे नहीं होता ना, क्योंकि गो टू मीटिंग भी मैंने खोल रखी है ना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ ये देखिए, हम सबसे पहले यहाँ तो समझ में आ गया ना आपको सर? बस ये आपको बटन समझना है ना? हाँ जी सर, उसमें जो ऑप्शंस आते हैं आप एक बार स्टेबल रख दीजिएगा तब दिख जाएगा, कई बार ना स्क्रीन बहुत फास्ट मूव करती है। अच्छा देखिए, हेलो गौरव जी, कुछ पूछना है? हम क्या किए, डेवलपर टैब हम लाए एक्सेल ऑप्शन से, और उसके बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट में गए, यहाँ कॉम्बो बॉक्स पे आए और कॉम्बो बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग करने के बाद दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए कि जब मैं इस पे ड्रॉप डाउन करूं तो मेरा ये लिंक शो, ये पूरा लिस्ट शो होना चाहिए, और दूसरा जब मैं सिलेक्ट करूं तो उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ अपडेट होना चाहिए। तो मैंने इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे गया, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल से जो कि सबसे लास्ट में है, फिर इसमें हमने इनपुट रेंज जो सबसे पहला आ रहा है उस पे मैंने पूरा का पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया, और सेल लिंक मतलब कि होगा कौन सा जिस पे हमें इफेक्ट देना है, और हम 3D को भी कर लिए ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट को दिखे, और फिर हम इसको ओके कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा मुझे लिस्ट आ गया, लिस्ट पे जो हमने सिलेक्ट किया कविता यहाँ पे कविता का दिख गया, और मैंने सिलेक्ट किया मोनी तो आपका मोनी का दिख गया। अब समझ में आया गौरव जी, मोहन जी एंड लक्ष्य जी? यस सर। और आशीष जी आपको? किसी को डाउट है? चलिए राजीव रोशन जी, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टारगेट का ऑप्शन सेट करता हूँ, टारगेट, और टारगेट हम अपना यहाँ सेट कर देते हैं डेटा में। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे एक बटन लगाता हूं, मैं यहाँ इंसर्ट में देखिए चेक बॉक्स दिख रहा है ना, अभी चेक बॉक्स को एक बार यहाँ डिजाइन करता हूं और इसके जगह पे मैं दे देता हूं
टारगेट, राइट। और इसकी कलर जो है मैं यहाँ पे होम में आके व्हाइट नहीं, इसमें नहीं कर सकते, हाँ इसमें फॉर्मेट में कर सकते ना। हाँ अच्छा, इसमें नहीं होता है क्या? कलर्स एंड लाइन, फिल कलर, लाइन कलर, ठीक है। तो अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट कंट्रोल में, सबसे पहले 3D मोड करता हूं इसमें कंट्रोल में, और दूसरा जो सेल लिंक है उसको यहां क्लिक कर देता हूं। तो सेल लिंक पे करने से क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ट्रू आएगा और अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो मैं यहां पे इफ कंडीशन लगाया कि इफ अगर ए ट्रू है तो टारगेट को शो करेंगे, अगर ट्रू नहीं है तो हम ब्लैंक शो करेंगे, और फिर हम इसको फ्रीज करते हैं 4 से। तो इस पे डेटा आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, सिंपल देखिए, हमने टेक्स्ट बॉक्स को लगाया, टेक्स्ट बॉक्स के राइट क्लिक करके कंट्रोल में जाके मैंने उसका जो सेल लिंक है यहां डाल दिया। इससे क्या हुआ कि अगर चेकबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अनक्लिक करेंगे तो फॉल्स आएगा। उसके बाद नीचे मैंने इफ फॉर्मूला लगाया कि इफ अगर टारगेट, मतलब कि जो टारगेट का जो ट्रू फॉल्स वैल्यू है, अगर वो ट्रू हुआ तो टारगेट शो होगा, अगर फॉल्स हुआ तो टारगेट शो नहीं होगा। और फिर मैं चार्ट को सिलेक्ट किया और डेटा को इंक्रीज कर दिया, तो भी आपको यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, जैसे मैं इसको अनचेक कर दूंगा टारगेट नहीं दिखेगा, राइट। तो गौरव जी, मोहन जी, अक्षित जी, हाँ जी, सर, हाँ जी, रोशन जी, जितने भी और भी जितने जी हैं, चलिए अच्छा ठीक है, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, तो बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग खुद बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब दूसरे एग्जांपल, क्योंकि इस पे थोड़ा सा घचपच हो जाएगा, दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि अभी फिलहाल जो आपने देखा है तो इसमें हम कंपेयर तो किसी एक का ही कर सकते हैं ना, मुझे अगर दो का कंपेयर करना होगा तो, मतलब कि पूजा वीएस नीरज, पूजा वीएस मोनी, पूजा वीएस उदय, ऐसे मुझे करना होगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सेम हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, अब क्या है दो वन लिखेंगे, और यहाँ पे हम सेम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे कि ऑफसेट यहाँ पे गए और रो नंबर वन कॉलम नंबर जीरो, और नीचे भी सेम हम देंगे फॉर्मूला ऑफसेट का, सेम फॉर्मूला, यहां सेलेक्ट करो रो नंबर वन कॉलम नंबर जीरो, इसमें इसमें जो वन होगा ए, इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ दूसरे वाले को, और पहले वाले को यहाँ पे हम जो हमारा वन है उसको हम फ्रीज कर देंगे, और इसके भी वन को हम फ्रीज कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे, अब जैसे इसको मैं टू कर दूंगा तो टू आ जाएगा, फिर दोनों को सिलेक्ट करके हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने इसी चार्ट को क्रिएट कर लिया, और इसके जो चार्ट के लेआउट है, हम लेआउट में कुछ इस तरह के लेआउट ले लेते हैं, इस तरह के लेआउट ले लेते हैं। अब इस तरह के लेआउट लेने पे फायदा हुआ कि जो पूजा और नीरज है इसको उठाऊंगा और उसको मैं यहां रख दूंगा, राइट और चार्ट का टाइटल रखना, रखो नहीं रखना कोई बात नहीं है, फिर चार्ट का टाइटल भी रखते हैं,
यहाँ पे ये देते हैं, यहाँ पे VS। उसके बाद मैं जाता हूँ डेवलपर में और यहां से कॉम्बो बॉक्स लेता हूं, और इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इनपुट रेंज में मैं इसको ले लेता हूं, और सेल लिंक में हम पहले वाले को दे देते हैं और 3D कर देते हैं। उसके बाद मैं यहां आपके पास नीचे देखिए, यहां पे एक आता है लिस्ट बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स बोथ आर द सेम। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि आपको ड्रैग डाउन करना पड़ता है, लेकिन लिस्ट बॉक्स में पूरा लिस्ट के साथ आता है, इसमें हम स्क्रॉल करते हैं। तो फॉर्मेट कंट्रोल में गया और इनपुट रेंज में हमने इसको ले लिया, और इसकी जो सेल लिंक है हम दूसरे वाले वन को रखेंगे और 3D सेटिंग करके ओके कर देते हैं। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया पूजा, और हमने लिखा, मैंने यहाँ पे यहाँ भी पूजा को सिलेक्ट किया, कविता, नीरज, मोनी, उदय, ओम, तानवी और टारगेट दे रहे सर। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार बार करना ना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास एक और है, यहाँ पे देखिए स्पाइन बटन। अब इस स्पाइन बटन को हम यहाँ पे लेते हैं, यहीं पर रखते हैं, और हम चार्ट में ही आते हैं और फॉर्मेट में आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स पे इस पे हम ड्रैग करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, और इसको हम सही तरीके से ऊपर अरेंज कर देते हैं, और एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में, और यहां देते हैं प्रीवियस। और इसको भी हम यहां से ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट कंट्रोल में जाता हूं, और इसकी मिनिमम वैल्यू हम 1 देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू डेटा कितना है हमारा, डेटा 2 से लेके 10 तक, मतलब कि 8, मैं 8 9, हाँ 9 देता हूं, और सेल लिंक में मैं इस 5 को सिलेक्ट कर लेता हूं, देन ओके। अब देखिए नेक्स्ट 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 प्रीवियस, ओके। अरुण जी, अरुण श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने आपको अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। तो ये आपका एक और एग्जांपल हुआ। पहला एग्जांपल तो मैंने आपके सामने ये बताया कि हम किस तरह से ऑफसेट का यूज करते हैं, एग्जाम्पल 1, और ये आपका हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये रहा हमारा। अब चलिए इसको हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। डेटा हम उसी को रखते हैं जो हमारा डेटा है। इस बार मैं इसमें हमारे जो डेवलपर बार में जो हमारे पास ऑप्शन बटन होते हैं, इस ऑप्शन बटन का इस्तेमाल हम करना सिखाते हैं इस बार। मैं इस बार इस नेम को यहां रखता हूं,
और यहाँ पे मैं वन, यहाँ पे वन रखता हूँ, और फिर मैं ऑफसेट फॉर्मूला देता हूँ और बोलता हूँ कि स्टार्टिंग डेटा यहाँ से हमारा, और इसमें हम रो नंबर जीरो कर देते हैं, नहीं वो रो नंबर जीरो, हाँ जीरो, और कॉलम नंबर जो है हम वन कर देते हैं, क्योंकि हमारा इस बार डेटा हमें कॉलम वाइज लेके जाना है, ना कि रो वाइज। इससे पहले वाले डेटा में मुझे रो वाइज डेटा लेना था, बट इस बार कॉलम वाइज डेटा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम को इसके साथ मर्ज किया, और फिर इसको F4 से मैं फ्रीज कर देता हूँ और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपने हिसाब से जो चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट हम ले लेते हैं यहाँ से। और नीचे जैसे मंथ वाइज है, मैं इसको यहां रख देता हूं, और हम यहां पे आते हैं डेवलपर में, और हमारे पास होता है ऑप्शन बटन। इस ऑप्शन बटन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पे हम देते हैं जैसे कि जैन, तो एक को डिजाइन कीजिए, ध्यान रखिएगा क्या कीजिएगा, एक को डिजाइन कीजिएगा, उसको अरेंज कर लीजिएगा, फिर उसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट कंट्रोल में, इसको सबसे पहले तो 3D मॉडल कीजिए और सेल लिंक में आप इसको लिंक कर दीजिए। एक को कर दिया, एक को करने के बाद अब क्या करना है कि इसी को राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक नहीं, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्रेस करते ही कि क्लिक करते हुए कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका 5, ये आपका मार्च, ये आपका अप्रैल, मई एंड जून। अब फिर कैप्शन, ये जो होता है कैप्शन नेम होता है, एडिट टेक्स्ट में जाके कैप्शन नेम चेंज करते चले जाइए, जैन की जगह पे फैब, फैब की जगह पे मार्च, अप्रैल, मई एंड इस पे जून, ठीक है। अब देखिए, अब पहले वाले पे क्लिक है तो इसलिए यहाँ पे 1 आया, जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तो 2 आएगा, तीसरे पे करूंगा तो 3, 4, और जैसे आता है ऐसे देखिए मेरा चार्ट चेंज हो रहा है, राइट। सुनाया सर, चलिए अब आपको आखिरी एग्जांपल और चौथा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए मुझे यहां पे डेट लेना पड़ेगा कि डेट, नेम और सेल्स। और मेरे पास ये डेट काफी ज्यादा है और नाम भी है और यहां पे सेल्स भी है। अब क्या ये जो इतना बड़ा डेटा है हमारा, इतने बड़े डेटा पे क्या लगता है हम चार्ट लगा पाएंगे? मुश्किल है, इतने बड़े डेटा के ऊपर चार्ट लगाना मुश्किल है, राइट सर। तो हम चाहते हैं कि हम चार्ट थोड़ा थोड़ा लगाए, हम इसको स्क्रॉल करें, जैसे कि आपके सामने देखिए कि स्क्रीन में आपके पास 1 है और यहाँ पे 23 है, तो आप एक बार में 23 को ही देख पा रहे हैं ना, और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका 1 जो हिडन हो जाता है और 24 विजुअल हो जाता है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि यहाँ पे चार्ट जो दिखे वो 10 तक का दिखे, और जब मैं उसको स्क्रॉल करूं तो डेटा मेरा बढ़ता जाए घटता जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम और सेल्स रखता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ साइड में ही पे 1 रख देता हूँ, और ऑफसेट में बोलता हूँ कि ऑफसेट, इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा, ए जो है हमारा हो,
ए रो प्लस रो माइनस फोर एंड कॉमा कॉलन जीरो। अब इसको ड्रैग करने से पहले हम F2 को फ्रीज कर देते हैं F4 से। इसका सिर्फ जो है F2 फ्रीज हो गया, A1 का हम 1 फ्रीज कर देते हैं, A रहेगा जस्ट का जस्ट। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसके माइक से शोर आ रहा है। उसके बाद इसको हम ड्रैग करते हैं और ये मुझे 10 तक चाहिए, 10 दिन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन का हमने ड्रैग कर दिया और इसको हम डेट फॉर्मेट में कर देते ताकि चार्ट में डेट आना चाहिए। तो 1 से 10 आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इंसर्ट में अपना लाइन चार्ट लगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कर देते हैं। ये हमारा डेट भी है। उसके बाद अब यहां पे अगला मतलब कि स्क्रॉल बार लाने के लिए डेवलपर टैब में हमारे पास स्क्रॉल बार होता है। अब इस स्क्रॉल बार को मैं यहां से लेके यहां तक डिजाइन कर देता हूं और फिर राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट कंट्रोल में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको देखना होगा डेटा कितना है। तो डेटा है 103 और 10 यहाँ आ रहा है, 103 माइनस 10 मतलब कि 93। तो राइट क्लिक करना होगा फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे मिनिमम 1, मैक्सिमम 97 और यहाँ पे हमने पर क्लिक करने पे एक इंक्रीमेंट होता है और सेल वैल्यू पे जो 1 है इस 1 को हमने दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये 1, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 2 से लेके 11 तक आ गया। तो जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा है वैसे वैसे हमारा चार्ट चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। लेकिन इसको इस तरह से समझे सर, इस तरीके से हमने इसका अपना एग्जांपल सेट किया। सर एक बार ये जो ऑफसेट फॉर्मूला है जिसमें आपने रो लगाया प्लस करके, वो एक बेसिकली क्या है कि मुझे यहाँ पे रो नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 0, फिर इसके नीचे चाहिए 1, फिर इसके नीचे चाहिए 2। तो हर किसी में जब सीरियल नंबर देते तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मा लगा दिया रो का, रो लगाया, रो में हमने माइनस किया 4 तो 0 आ गया। जब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ओके, सीक्वेंस बनाने के लिए। मतलब ये समझ लीजिए क्या कर कह रहा है, बता देता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि ऑफसेट में यहां से एक रो का डेटा उठाओ तो 1 आ गया, हमने बोला कि A1 से 2 रो का डेटा उठा, दूसरे रो का, तीसरे रो का, चौथे रो का। अगर मैंने कल के डेट में 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा कि यहां से जो है 2+0 का डेटा उठाओ, 2+1 3 रो का डेटा उठाओ तो 1 बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो इसका इस्तेमाल किया और मैं इसकी फाइल को सेव कर देता हूं, आप लोग जो है इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं भेज दूंगा सबको, ठीक है सर, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में और 9 बजे वाले बैच और 6:30 बजे वाले बैच जो है उनके मंडे से VVA स्टार्ट होगा, 9 बजे रात में, सुबह 6:30 और बाकी जो बैच है वो जो चल रहा है तो चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।